हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति राणा। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मीशो हॉल। सो क्या क्या प्रोडक्ट मैंने परचेस किए हैं मीशो से, वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहे हमारे साथ, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स ओपन दिस बॉक्स, दीज बॉक्सेस। सो अभी मेरे पास टोटल ये फर्स्ट वन और ये सेकेंड ये है और एक और है, और अभी तीन और है मेरे पास। सो ये टोटल मेरे पास सिक्स बॉक्सेस हैं, और जो मैं आपको दिखाऊंगी वन बाय वन। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। सो इन बैग्स को जल्दी से ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं मैंने क्या क्या मंगाया है मीशो ऐप से। तो जल्दी से इनको ओपन करके दिखाती हूँ मैं। सो सबसे पहले मैं ये वाला बॉक्स ओपन करती हूँ। तो इसको मैंने मंगाया है 203 रुपीज़ में, और ये है शिवाना शिमर, और ये मल्टी कलर है। तो जल्दी से मैं इसको ओपन करती हूँ। बाबरे, ये तो खुल भी नहीं रहा। चलो ये ऐसे ही खुल गया, इसकी अनबॉक्सिंग इतने बुरी तरीके से मैंने करी है। सो ये बबल रैप में आया है मेरे पास, और ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है अकॉर्डिंग टू इमेज, बट इसको ओपन करके देखते हैं। सो ये निकल गया है बॉक्स और कुछ इस तरीके से, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो ये मैंने हाइलाइटर मंगाया था इसका, तो ये है इसका प्राइस। इसका प्राइस तो मुझे दिखाई नहीं रहा, बट ये मैंने ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है मेकअप के लिए हाइलाइटर। तो ये हाइलाइटर जो मुझे मिला है ये 203 रुपीज़ में मिला है। सो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट ओपन करते हैं इसको। एक तो मैंने ओपन कर लिया, और नेक्स्ट इसको तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया था, बिकॉज मेरे घर वालों ने कहा था कि जल्दी जल्दी खोल के दिखा इसको, तो मैंने ओपन कर लिया। इसको भी मैं ओपन करती हूँ। जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी तो मैंने इसका वीडियो बना लिया था, तो इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैं अभी। तो इस पैक को मैं जल्दी से ओपन कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसमें जो ब्लाउज़ है, मैंने इसमें ब्लैक कलर का ब्लाउज़ मंगवाया था, और जो इसमें सितारे थे वो मैंने पिंक कलर के चूज़ किए थे, क्योंकि मेरा लहंगा भी इसी कलर का है, तो इस वजह से मैंने इसको मंगाया था। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बट लहंगे के साथ पता नहीं कैसा लगे, निकाल के देख लेते हैं कहीं कटा फटा ना हो। हाँ, तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से आया है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये, और लहंगे के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये जो है ब्लाउज़ मैंने मंगाई थी, ये है, ये कितने की आई डोंट नो, बट ये मेरे लहंगे के लिए थी। तो इसका जो प्राइस रेट है ये 257 रुपीज़ में मुझे मिली है। और नेक्स्ट, इसके बाद हम ओपन करते हैं, इसको पहन के भी मैं दिखाऊंगी। वीडियो में कमेंट सेक्शन है, तो उसके नीचे ज़रूर बताना मुझे कैसा लगेगा लुक। नेक्स्ट, अभी ये कौन सा है ये, इसको बाद में खोलूँगी मैं। ये वाला भी ओपन कर लिया था मैंने, तो इसको मैं दिखा देती हूँ आपको। इसको जब मैं ओपन कर रही थी तो मैंने इसका भी वीडियो ऑलरेडी बना दिया था। ये दोनों पैकेज मुझे पहले से मिल गए थे, तो इस वजह से मैंने इनका पहले से वीडियो बना के रखा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि इकट्ठे ही क्यों ना ओपन की जाए, तो फिर मैंने इसको ओपन कर लिया था, इसका बैग। ये ओपन होने वाला है, और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ये बबल रैप किया हुआ है ताकि ज्वेलरी में कुछ गड़बड़ ना हो, और ये इस तरीके से आया। मैंने सिल्वर एलॉय ज्वेलरी मंगाई थी, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये, और इसकी पॉली
थिन से इसको निकाल लेती हूँ मैं और अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। सो ये जो है इस तरीके से पहनी जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है और ड्रेस के साथ और भी ज़्यादा मैच करेगा। सो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है ये। तो ये जो है कुछ इस तरीके से आया है और ये बबल रैपिंग में है और इसको मैं ओपन कर देती हूँ। इसकी पैकेजिंग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी की हुई है और ये कुछ इस तरीके से है। तो इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है और सिल्वर कलर का है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा पहनने के बाद। तो अभी तो कोई है नहीं मुझे पहनाने वाला, बट जब कोई आ जाएगा तो मैं पहनूंगी, क्योंकि बांधने के लिए भी चाहिए पीछे हुक लगाने के लिए, तो अकेले से तो लगेगा नहीं है। सो नेक्स्ट अभी मैं ओपन करूँगी ये मांग टीका, मैंने मंगाया है इसको। और ये जो मैंने जो रिंग मंगाई थी, ब्रेसलेट मंगाया था, इसका जो प्राइस रेट है 150 के समथिंग मुझे मिला है। और नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है ये मांग टीका मंगाया मैंने, इसको मैंने मंगाया है 115 रुपीज़ में मंगाया मैंने इसको। तो जल्दी से मैं इसको ओपन करती हूँ और ये इसकी पैकेजिंग जो है इस तरीके से है। और देखो अभी तक तो मैंने इसको ओपन नहीं किया है, बट अभी ओपन करूँगी। सो ये जो है इस तरीके से है इसकी पैकेजिंग। ये मांग टीका मैंने मंगाया था इसमें, तो अभी इसको लगाएंगे थोड़ी देर बाद। तो ये ओपन हो गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने पैक करके दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं कहीं टूटा फूटा ना हो, बट लग तो नहीं रहा जिस हिसाब से इसकी पैकेजिंग है। इसका जो फ्रंट है तो ये दिस वन, तो इसका ये मांग टीका है और ये इयररिंग है, और इयररिंग तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं इसके। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो नेक्स्ट अभी और ओपन करती हूँ मैं। सो ये तो लग रहा है बढ़िया, इसका मेकअप करके दिखाऊंगी, हल्दी मेकअप लुक। सो नेक्स्ट इसमें क्या है, हाँ सो इसमें मैंने नेकलेस मंगाया था और ये पता नहीं कितने का है, मुझे देखना पड़ेगा। तो इतने बड़े डब्बे में आए हैं नेकलेस, ये पता नहीं क्या है ये। सो ये जो मुझे मिला है 148 रुपीज़ में मिला है ये बॉक्स में मांग टीका है। सो इसको मैं ओपन कर रही हूँ अभी, और ये जो है ओपन हो गया है। अभी इसको ओपन करना और अच्छे से बाकी इसके बॉक्स से निकालना है। तो नेक्स्ट, तो ये जो है बबल रैपिंग में आया है और इसका बॉक्स ना बहुत ही बड़ा इन्होंने दिया है, और जल्दी से मैं इसको ओपन करती हूँ। सो ये तो हो गया है ओपन, और इसकी पैकेजिंग इस तरीके से है, और मेरे लहंगे के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मैच करेगा। बट इसमें मांग टीका नहीं दिया है, बट 150 अगर मांग टीका लेती तो 250 का पड़ता ये, बट ये इस तरीके से है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड देख लेती हूँ एक बार ट्राई करके ये कैसा लगेगा मुझ पर। तो इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। इसका एक इयररिंग निकाल लेते हैं, इसका एक इयररिंग मैंने निकाल लिया है एंड मैं आपको इसको पहन के दिखा देती हूँ। अच्छा लग रहा है ये। सो नेक्स्ट इसका जो नेकलेस है वो भी पहन के देख लेते हैं अभी। ऐसे सूट करेगा क्योंकि मेरी गर्दन जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी है, मतलब इतनी तो नहीं है जिराफ जितनी, बट है ठीक ठाक है। सो ये ना बहुत ही ज़्यादा शाइन करने वाला है एंड मेकअप करने के बाद ही अच्छा लगेगा। सो नेक्स्ट एक बॉक्स और रह गया मेरा ओपन करने के लिए।
सो इसको मैं रख देती हूँ फिर से पैक करके। सो नेक्स्ट ये रह गया है ब्लाउज, तो इसको भी मैं ओपन करती हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, ये स्टोन वाली है और इसका जो बैक है ये बैक इसका इस तरीके से, और इसका फ्रंट जो है ऐसा है, और पहनने के बाद ही पता चलेगा कैसा। मैंने एल साइज़ मंगाया था बिकॉज छोटा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैंने बड़ा साइज़ करके मंगाया, बट फिटिंग तो हो ही जाएगी इसकी। सो मैंने तो सारी अनबॉक्सिंग कर ली है, और आपको कौन सा वाला सामान ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दें। सो और भी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मैं मिलती हूँ आपका अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।